नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर। आप देख रहे SB डिजिटल। इस फ्री अंदर मैं रियलमी 7 एंड माइक्रोमैक्स इन नोट 1। बहुत लोग बोल रहे थे रियलमी 7 के साथ इसका कंपैरिजन करो, तो लो भाई आ गया। इसके अंदर दिया गया G95 और इसके अंदर G85। रजिस्टर्ड गीकबेंच ऐप स्पीड टेस्ट, रैम, डिस्प्ले, इंटरनेट स्पीड टेस्ट और रेंडर काइनमस्टर पे ओवी होगा। तो सब कुछ जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। और भाई एक हफ्ते से इरेगुलर वीडियो आ रहा है, तबीयत बहुत ज़्यादा खराब था। आज थोड़ा सा रिकवर कर पाया हूँ और आज से आपको वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप तबीयत वगैरह ठीक ठाक रहे और मैं आपको वीडियो डेली बाय डेली देते रहूँ। तो सबसे पहले ये पे हम करने वाले ऐप स्पीड टेस्ट नेटवर्क। ये पे आप देख सकते हैं दोनों ही सेम नेटवर्क के अंदर कनेक्टेड है, वाईफाई नेटवर्क के अंदर। और ये पे पहले नंबर पर आता है इंस्टाग्राम। स्लाइटली पहले ओपन किया रियलमी 7 और ये पे ओपन रहने देते ये दो फोटो। नेक्स्ट फेसबुक, दोनों ही सेम टाइम बट स्लाइटली पहले मुझे लगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और ये पे ओपन रहने देते ये दो फोटो। बहुत ढूंढ के कुछ अच्छा मिला, ये दो रहने देते। नेक्स्ट ट्विटर, दोनों ही सेम टाइम एंड ये पे ये दोनों सेम ट्रेंडिंग सेक्शन। अगला अमेजन, स्लाइटली पहले मुझे लगा माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और ये पे ये दो सेम मोबाइल सेक्शन। अगला फ्लिपकार्ट, फिर से माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और ये भी सेम मोबाइल सेक्शन। नेक्स्ट क्रोम ब्राउजर, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 फिर से और ये दोनों ही सेम विकिपीडिया पेज। अगला स्पॉटिफाई, 3, 2, 1 माइक्रोमैक्स और ये पे ये दो सेम प्लेलिस्ट। अगला प्राइम वीडियो, बहुत ही ज्यादा ऑसम काम कर रहे हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1, पता नहीं क्यों बट बहुत ही ज्यादा पहले ये पे ओपन कर रहा है और ये पे ओपन रखते ये दो शो। अगला काइन मास्टर, फिर से ये पे ओपन कर दिया पहले माइक्रोमैक्स इन नोट 1 और अब देख सकते हैं कैसा ये पे ओपनिंग था। एंड सबसे लास्ट कॉल ऑफ ड्यूटी। और ये पे थोड़ा सा पीछे रहेगा माइक्रोमैक्स, पहले ओपन कर दिया रियलमी 7 एंड उसके 5-7 सेकंड बाद माइक्रोमैक्स नोट 1। अब सभी ऐप्स बैकग्राउंड पे रन कर रहा है, एक एक करके ओपन करके देखते हैं जिस पेज पे ये पे हमने रखा था, देखते हैं सेम पेज पे ये रख पता है कि नहीं। इंस्टाग्राम नो प्रॉब्लम, नो रिफ्रेश, दोनों ही सेम पेज। फेसबुक यह पे रिफ्रेश हो गया, रियलमी 7 इसको रिफ्रेश कर दिया। बाकी ये पे आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 सेम पेज पे रख दिया, बहुत बढ़िया माइक्रोमैक्स। ट्विटर सेम ट्रेंडिंग सेक्शन, ऑसम। अमेजन यहाँ पे माइक्रोमैक्स ने काम कर दिया, होम पेज पे लेके गया और रियलमी 7 ने यहाँ पे सेम मोबाइल सेक्शन के अंदर रख दिया। फ्लिपकार्ट फिर से माइक्रोमैक्स होम पेज और रियलमी 7 सेम पेज पे रख दिया। क्रोम ब्राउजर दोनों ही सेम, स्पॉटिफाई दोनों ही सेम प्लेलिस्ट, प्राइम वीडियो नो प्रॉब्लम, काइन मास्टर दोनों ने ही ओपन रखा एंड सबसे लास्ट कॉल ऑफ ड्यूटी। तो ये भी किसी ने रीलोड या रीस्टार्ट नहीं किया। तो अभी ये भी हम दोनों फोन को रीस्टार्ट करने वाले और ऑब्वियसली बैकग्राउंड पे सभी ऐप्स रन कर रहा है, जैसे ये पे रन कर रहा था सभी ऐप्स ये पे रन कर रहा है। और इस कंडीशन में एक बार रीस्टार्ट करके देखते हैं कौन सबसे पहले इसको ऑन कर पाता है। और रियलमी में बहुत ज़्यादा लॉन्ग प्रेस, 3, 2, 1 स्टार्ट। तो माइक्रोमैक्स ने ऑलरेडी इसको ओपन कर दिया और ये पे अभी भी रियलमी का लोगो आ रहा है, देखते हैं कितने टाइम यहाँ पे ले लेता है रियलमी। और अब जाके रियलमी ओपन किया, फाइनली दोनों का टाइमिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा फर्क है। 27 सेकंड के अंदर ओपन किया माइक्रोमैक्स नोट 1 और 40 सेकंड ये पे ले लिया रियलमी 7। अगला काइन मास्टर पे एक रेंडर टेस्ट करके देखते कौन सबसे पहले ये पे रेंडर कर पाता है। दोनों पे ये पे सेम प्रोजेक्ट खुला हुआ है, तो जैसे कि ये पे आप देख सकते हैं दोनों पे ही सेम प्रोजेक्ट ये पे खुला है, सेम मेरा एक प्रोजेक्ट है। और ये पे एक्सपोर्ट करके देखते हैं दोनों को ही एक साथ कौन सबसे फास्ट ये प्रोसेसिंग कर पाता है। दोनों पे ये पे फुल HD 30 पीस पे रेंडर होगा और ये बिट रेट मैं सबसे लो कर देता हूँ। और
या फिर दोनों को एक साथ स्किप करने वाले 3, 2, 1। और भाई ये टेस्ट कंप्लीट होते इस वीडियो की लाइक एम को आप जल्दी से कंप्लीट कर दो। 539 इस वीडियो टोटल लाइक टारगेट है तो जल्दी से कंप्लीट कर दो। और इससे पहले मैंने माइक्रोमैक्स के साथ पोको M2 का भी ऑलरेडी स्पीड टेस्ट करके रखा है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा वो भी आप क्लिक करके देख सकते हैं आई बटन पे। और भाई ये पे हो गया लोड शेडिंग एंड बहुत ही ज्यादा पहले ये पे एक्सपोर्ट कंप्लीट कर दिया माइक्रोमैक्स इन नोट 1 पहली बार की तरह। पहली बार भी कुछ ऐसा कंडीशन में देखने को मिल गया था पोको M2 के साथ, और इस बार भी कुछ ऐसा है। और उसके 3-4 मिनट ज्यादा ले लिया ये पे रियलमी 7। अगला ये पे हम गिगबेंच स्कोर चेक करने वाले, किसका स्कोर सबसे ज्यादा हमें देखने को मिलता है। उससे पहले ये पे प्रोसेसिंग कौन सबसे फास्ट कंप्लीट कर पाता है ये देख लेते। तो रिजल्ट ये पे आप देख सकते हैं G95 है तो ऑब्वियसली स्कोर तो हमें थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगा। सिंगल कोर 519, मल्टी कोर 1654, वही पे माइक्रोमैक्स में सिंगल कोर 354, मल्टी कोर 1337। तो सिंगल कोर मल्टी कोर दोनों में स्कोर हमें ज्यादा देखने को मिल रहा है रियलमी 7 में। नेक्स्ट स्टोरेज टेस्ट करके देखते हैं रीड राइट स्पीड ये हमें कैसा देखने को मिलता है। ये 4GB 64GB है माइक्रोमैक्स, और रियलमी 6GB 64GB, और कितना फ्री स्पेस है ये पे आप देख सकते हैं। तो रिजल्ट ये पे आप देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा पहले ये पे प्रोसेसिंग कंप्लीट कर दिया माइक्रोमैक्स इन नोट 1। रीड स्पीड 244, राइट स्पीड 188 Mbps, वही पे रियलमी 7 में रीड स्पीड 399 Mbps एंड राइट स्पीड 69। तो रीड स्पीड सबसे बढ़िया है रियलमी 7 के अंदर, एंड ऑब्वियसली राइट स्पीड सबसे बढ़िया है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में। नेक्स्ट ये पे दोनों का इंटरनेट स्पीड टेस्ट करके देखते हैं कैसा डाउनलोड अपलोड स्पीड हमें देखने को मिलता है। फर्स्ट दोनों को एक साथ करेंगे, उसके बाद अलग अलग करके देखते हैं कैसा डाउनलोड अपलोड स्पीड मिलता है। अब स्कोर थोड़ा सा यूनिक हमें देखने को मिल रहा है। फर्स्ट जब हम एक साथ करे थे दोनों फोन को उस टाइम रियलमी 7 विनर था। अब जब इंडिविजुअल अलग अलग टेस्ट हुआ उस वक्त डाउनलोड 45 अपलोड 40 दोनों में स्कोर हमें डाउनलोड अपलोड दोनों में स्कोर ज्यादा देखने को मिल रहा है माइक्रोमैक्स नोट 1 में। अगला एक वीडियो प्ले करके ये पे हम देखने वाले दोनों के अंदर कैसा वीडियो क्वालिटी देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस ये पे आप देख सकते हैं दोनों के अंदर सेमी ब्राइटनेस ये पे हमने रखा है, और रियलमी 7 के अंदर HDR सपोर्ट कर रहे हैं, फुल HD 60fps का दोनों ही रेजोल्यूशन ये पे हमने रखा है, और ये पे HDR सपोर्ट कर रहा है, बट माइक्रोमैक्स में ये पे HDR सपोर्ट नहीं कर रहा है। आप दोनों को एक साथ प्ले कर लेते हैं, देखते हैं कैसा क्वालिटी ये हमें देखने को मिल जाता है। ब्राइटनेस की बात करूं तो रियलमी 7 में HDR है, जिस सीन में जिस तरीका एक्सपोजर की जरूरत है उस सीन में उसी तरीका एक्सपोजर ये पे कंट्रोल कर रहा है। वही पे माइक्रोमैक्स नोट 1 एक सेमी ब्राइटनेस हर एक सीन में कंट्रोल कर रहा है। क्लियरिटी की बात करूं तो दोनों के अंदर सेमी क्लियरिटी देखने को मिल रहा है, ब्राइटनेस थोड़ा सा ज्यादा है रियलमी 7 के अंदर, इसलिए शायद आपको लग रहा है रियलमी 7 में क्लियरिटी थोड़ा सा ज्यादा है, बट क्लियरिटी दोनों में हमें सेम देखने को मिल रहा है। अगला कलर टेम्परेचर की बात करूं तो स्लाइटली कूलिश टोन मिल रहा है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में, वही पे वार्म टोन प्रोवाइड कर रहा है रियलमी 7। अगला सैचुरेशन की बात करूं तो स्लाइटली सैचुरेशन ज्यादा मिल रहा है, ग्रीन कलर येलो कलर और ज्यादा येलो दिख रहा है, और ये स्काई का कलर भी और ज्यादा ब्लू दिख रहा है रियलमी 7 के अंदर। वही पे थोड़ा सा एक न्यूट्रल टोन प्रोवाइड कर रहा है जो आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा आई कंफर्ट है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में। अब डार्कनेस की बात करूं तो एमोलेड स्क्रीन किसी के अंदर भी नहीं है, दोनों के अंदर ही LCD स्क्रीन है, तो डीप डार्क कलर आपको किसी के अंदर भी देखने को नहीं मिलेगा। डिस्प्ले साइज जो ये पे आप देख सकते हैं एक अच्छी तरीके सिनेमेटिक एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में। 6.67 इंच का डिस्प्ले दिया गया है, वही पे 6.5 इंच का डिस्प्ले मिलता है रियलमी 7 में। और ये पे जो कैमरा पोजीशन है दोनों के अंदर ही में इन डिस्प्ले कैमरा मिलता है, तो अच्छी तरीके का एक्सपीरियंस स्लाइटली बेटर एक्सपीरियंस मिल जाएगा आपको रियलमी 7 में, क्योंकि वो थोड़ा सा कॉर्नर में दिया गया है। अब दोनों के अंदर हमें इन डिस्प्ले कैमरा मिलता है बट रियलमी का थोड़ा सा साइड में, इसके लिए एक बेटर व्यूइंग एक्सपीरियंस मिल जाएगा रियलमी 7 में, बट ऑब्वियसली इसके कंपेरिजन में माइक्रोमैक्स का भी बहुत ही अच्छी तरीका लग रहा है देखने में। अब ओवरऑल ब्राइटनेस क्लियरिटी शेडो सैचुरेशन दोनों के अंदर हमें बहुत ही अच्छी तरीका मिल रहा है, बट ऑब्वियसली वो HDR की वजह से अच्छी तरीके एक डायनेमिक रेंज एंड लाइट मैनेजमेंट मिल रहा है रियलमी 7 में। नेक्स्ट ये पे हम एक म्यूजिक प्ले करके देखते हैं किसका साउंड क्वालिटी हमें बेहतर सुनने को मिलता है। वॉल्यूम 100%। अब माइक्रोमैक्स वॉल्यूम 100%।
दोनों का ही साउंड क्वालिटी मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, बट रियलमी का ट्रिबल थोड़ा सा ज़्यादा है। वही पे माइक्रोमैक्स इन नोट वन में बेस क्वालिटी बहुत ही अच्छी तरीके है। पुराने फिलिप्स रेडियो के अंदर जो क्वालिटी हमें सुनने को मिलता है, उसी तरीके कुछ क्वालिटी साउंड हमें माइक्रोमैक्स इन नोट वन में सुनने को मिल जाता है। लाउडनेस की बात करूँ तो स्लाइटली लाउडनेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल गया माइक्रोमैक्स इन नोट वन में। वही पे रियलमी 7 का भी लाउडनेस बहुत ही बढ़िया तरीका था, बट ट्रिबल की वजह से वो थोड़ा सा कान में वो डायरेक्ट आके हिट करता है। तो फाइनली आई होप आपको समझ में आ गया इन दोनों के अंदर कैसा डिफरेंस हमें देखने को मिलता है। ऐप टेस्ट के अंदर दोनों का ही रिजल्ट बहुत ही अच्छे तरीके था, एंड ओवरऑल जितने भी टेस्ट यहाँ पे हुआ है, माइक्रोमैक्स इन नोट वन ने बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पे टक्कर देने की कोशिश किया है रियलमी 7 को। एंड रेंडरिंग टेस्ट तो ऑसम जाता है माइक्रोमैक्स का, आप खुद भी आप देख सकते हैं माइक्रोमैक्स का रेंडरिंग करके किसी भी काइन मास्टर या किसी और सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से ये रेंडरिंग बहुत ही ज्यादा फास्ट ये कंप्लीट कर देता है। और अगला माइक्रोमैक्स इन नोट वन के साथ किसी और फोन का स्पीड टेस्ट अगर आप देखना चाहते तो नीचे कॉमेंट करके जरूर बताना।